जगह का नाम है सेरी खेड़ी इंटरचेंज या नया रायपुर स्वागत वाटिका। तो इसका जो शिलान्यास था ये माननीय डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया था। ये NRDA का प्रोजेक्ट है, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये शिलान्यास किया गया था 1 अगस्त 2012। और इसका जो लोकार्पण हुआ है जिसका नाम पड़ा नया रायपुर स्वागत वाटिका, डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किया गया था ये भी, और ये हुआ है 1 अक्टूबर 2013। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो लिंक। मेरा नाम अभिजीत है एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है इस नया रायपुर स्वागत वाटिका में। ये जहाँ से नया रायपुर के लिए रोड स्टार्ट होता है, ये गार्डन यहाँ पे बना हुआ है। आपने जैसे देखा कि 1 अगस्त 2012 को इसका शिलान्यास हुआ था और 1 अक्टूबर 2013 को ये बन गया था, उसका लोकार्पण हो गया। सो काफ़ी जल्दी बन गया और आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। और एक साल में ही बन गया तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये एंट्रेंस है और जैसे ही आप स्टार्ट में आएंगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा, डॉक्टर रमन सिंह माननीय मुख्यमंत्री। तो आई थिंक ये पेड़ उन्होंने लगाया था जब शिलान्यास हुआ होगा, काफ़ी बड़ा हो गया है अब ये पेड़। तो चलते हैं, आज इसका टूर करते हैं, इस नया रायपुर स्वागत वाटिका का। इस जगह की सबसे ज़्यादा खासियत जो मुझे लगती है वो है ये स्लोप। आई होप आप लोगों को ये स्लोप दिख रहा होगा। और जब ये रोड ऐसा आया हुआ है सब पूरा टर्न लेता है, तो अगर आप नया रायपुर जाएंगे तो थोड़ा सा उस साइड है तब ये गार्डन नहीं दिखेगा आपको, बट आप वापस आते हैं तो आप इस रोड से आते हैं तो ये पूरा गार्डन दिखता है। एंड उसमें सबसे अच्छा लगता है ये पीछे जो लिखा हुआ है नवा रायपुर अटल नगर। एक्चुअली पहले ये लिखा हुआ था नया रायपुर एंड उसके बाद जब नाम चेंज हुआ तो अभी लिखा हुआ है नवा रायपुर अटल नगर। तो सबसे अच्छा जो लगता है मुझे इस पूरे गार्डन का वो यही एरिया लगता है, ये स्लोप और उसमें जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है नवा रायपुर अटल नगर। जस्ट पीछे है नेशनल हाईवे 6 है या 10 है याद नहीं है मेरे को, बट इसको कोलकाता मुंबई हाईवे बोलते हैं या भवानी पटना रायपुर हाईवे, ऐसा मैंने गूगल मैप में देखा है अभी। जस्ट एक्चुअली मैं हाईवे नंबर सर्च कर रहा था कि कौन सा है, तो देख नहीं रहा, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मुंबई कोलकाता हाईवे या रायपुर भवानी पटना हाईवे, तो मैंने आपको यही वाला बता दिया। एंड एक और चीज़ है, आपको पीछे कुछ शेल्टर्स दिख रहे होंगे, आई डोंट नो शेल्टर है कि क्या है, ऐसे दो बने हुए, ये एक बना हुआ है और ये पीछे एक और बना हुआ है। एंड इसके पीछे जस्ट थोड़े से आगे ही पड़ता है आपका शैमरॉक ग्रीन होटल, एंड थोड़ा सा और आगे जो है
वो पड़ता है ललित महल। बहुत अमेजिंग प्लेस है, मैं एक बार गया था, कुछ फेस्ट हुआ था वहाँ पे, बहुत बहुत ही शानदार बनाया गया है ललित महल को। तो अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ज़रूर जाना वहाँ देखने। पता नहीं मेरी आवाज़ आज आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं निकल रहा, पता नहीं ठंड में आवाज़ भी बंद हो गया है क्या। ये और एक शेल्टर है, यहाँ कुछ फ़ोटो तो बड़े अच्छे आ सकते हैं आई गेस। अगर आप अच्छा फ़ोटोग्राफी करते हैं तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है फ़ोटो खींचने के लिए, कुछ एक फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ जाएंगे। सही है, ये जो प्लेस है इसको अगर मैं ड्रोन से शूट करता तो आई गेस सबसे अच्छे से आपको दिखा सकता था, बिकॉज नॉर्मली ये कैमरा से नॉर्मल कैमरे से ये इतने अच्छे से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ आपको इसका एक व्यू देने का, क्योंकि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ काफ़ी अच्छा दिख रहा है वहाँ से। बट ये अगर ये ड्रोन से शूट होता और ऊपर से पूरा दिखता, जो मैं आपको बोला था कि नया रायपुर लिखा, नवा रायपुर अटल नगर लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छा दिखता। तो ड्रोन तो मेरे पास है नहीं और ना ही मेरे पास उसका बजट है। आई होप मेरा चैनल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो समडे आई विल परचेज अ ड्रोन और मैं उससे भी शूटिंग कर सकूं। अगर आपने मेरे पिछले नया रायपुर के व्लॉग्स देखे होंगे तो हमने देखा है कि नया रायपुर कितना ब्यूटीफुल है और कितना बढ़िया डेवलप हो रहा है, कितनी प्लांट सिटी है। मैंने आपको बताया था इट इज़ द 7th प्लांट सिटी ऑफ इंडिया और 3rd प्लांट सिटी है जो किसी स्टेट, 3rd या 4th याद नहीं आ रहा है, जो किसी स्टेट का कैपिटल है, तो उसका एंट्रेंस तो ग्रैंड होना ही चाहिए। सो ये काइंड ऑफ ग्रैंड एंट्रेंस है नया रायपुर का। आप भी सारे रायपुर वालों से आप ये शेयर कीजिए कि रायपुर क्या, मैं तो बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ या पूरे इंडिया में पता होना चाहिए कि हमारा रायपुर कैसे डेवलप हो रहा है। और मैंने नया रायपुर पे बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके कि कितने बढ़िया बढ़िया प्लेसेस हैं। मैं रायपुर वालों को, रायपुर से बाहर वालों को, छत्तीसगढ़ वालों को, इवन इंडिया वालों को बोल रहा हूँ, प्लीज़ देखिए नया रायपुर कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन टू शो योर सपोर्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियोस को। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं नया रायपुर पे, आप उनको भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। मेरा नाम अभिजीत है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।